तो भाइयों ये वीडियो है आप लोग के लिए धनतेरस स्पेशल। देखो अब जैसा आप जानते हो मैं पंडित हूँ, ऐसे मैं ब्राह्मण हूँ, तो आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूँ धनतेरस की, जिससे आपके घर में लक्ष्मी आएगी। ठीक है, सभी लोग सुनना, सभी लोग और सभी सभी भाइयों के लिए, चाहे सभी धर्म के भाइयों के लिए, चाहे वो पंजाबी हो चाहे वो मुस्लिम हो, सभी के लिए। ठीक है, आज धनतेरस है और जो शुभ मुहूर्त है धनतेरस का वो है 12:40 से लेकर 1:15 के बीच में दोपहर में। ठीक है, तो 12:40 से लेके 1:15 तक के बीच में आप अगर ये कुछ चीज़ें खरीदते हो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी, पैसा आएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को इसी टाइम के बीच में आप लोगों को धनिया खरीदनी है। ठीक है, धनिया। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको एक झाड़ू खरीदनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ नमक ज़रूर खरीदना है, और चौथी चीज़ हल्दी खरीदनी है। हल्दी, लेकिन वो लकड़ी वाली हल्दी, खड़ी हल्दी, ये नहीं पीसी हुई हल्दी के पाउडर नहीं, खड़ी हल्दी आपको खरीदनी है। और पांचवी चीज़ एक और है कि आपको वो करना है वो नमक का मैंने बता दिया आपको, और क्या बोल, और क्या बचा है, हाँ चीनी, शक्कर जो होती है शक्कर, ये भी आपको खरीदना है। ये पांच चीज़ें खरीदनी है। और याद रखना कि अगर और जो और एक काम करना कि इसी पीरियड के बीच में, और शक्कर खरीदनी नहीं है, शक्कर आपको दान करनी है किसी जरूरतमंद को, चाहे आप 100 ग्राम ही शक्कर लो लेकिन किसी को दान कर देना, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। और नमक वगैरह सब खरीद के घर पे रखना। बाकी 21 चावल के दाने, चावल के दाने काम करना, 21 जो चावल हो, चावल होता है गिन के, 21 चावल के दाने एक कपड़े में लपेट लेना पुड़िया में, और वो जो है मत्थे से लगा के जय लक्ष्मी माता बोल के, गणेश लक्ष्मी बोल के, ऐसे जहाँ पर तुम्हारे घर में वो होता है, क्या बोलते हैं कि पैसे रखे आते हैं, तिजोरी होती है, लॉकर होता है, उसमें रख देना। ठीक है, ये चीज़ें कर लो, नहीं समझ में आए दोबारा सुन लो, लेकिन ये चीज़ें कर लो, बहुत अच्छी चीज़ होगी है। ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ, बात ख़त्म तो कर लेना। ठीक है, बाकी रही बात कल की, अगर मैच की बात करें तो भाई देखो न्यूजीलैंड का श्रीलंका का जो मैच हुआ, हमारे लिए बड़ा गजब मैच हुआ भाई। तुम्हारे भाई ने फिर से आग लगा दी। देखो मैंने आप लोगों से क्लियरली बोला था निशान का नहीं चलेगा, मधुशंका नहीं चलेगा, दोनों प्लेयर फ्लॉप हुए हो गए। मैंने तुमसे बोला था लंका की तरफ से दो प्लेयर सरप्राइज करेंगे, एक कुशल परेरा जो कि एकदम अंधड़ प्लेयर है, वो दूसरा महेश तीक्ष्णा जो कि आउट ऑफ फॉर्म था। बंदे ने बैटिंग से भी 40 रन मारे, बॉलिंग से आके भी विकेट लेके गया सेकंड इनिंग में। तीसरा मैंने आप लोगों से बोला था एंजेलो मैथ्यूज फर्स्ट इनिंग में नहीं लेकिन सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग करेगा तो विकेट लेगा, उस बंदे ने भी 2 विकेट लिए। बाकी ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गुसन, इन सब के बारे में बोले था विकेट लेंगे, उन्होंने विकेट लिए। सेंटनर बोला था दिन में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स को विकेट मिल जाएंगे, सेंटनर ने, रविंद्र ने, दोनों ने 2-2 विकेट लिए, तो इनको भी विकेट मिले। बैटिंग में मिचेल ने भी रन मारे चेस करते हुए, देखो मैं बोलता हूँ मारा, रविंद्र ने भी रन मारे, विलियमसन ने भी रन मारे, उसे क्या बोलते हैं कॉनवे ने भी रन मारे। ठीक है, और केन विलियमसन के लिए उतनी कुछ खास फीलिंग नहीं आ रही थी मुझे, मैंने साफ साफ बताया हुआ था जब मैं लाइव था। तो जैसा मैच हमने चाहा वैसा मैच हुआ, एकदम प्रॉपर। हाँ, सजीरा समा विक्रमा कुशल मेंडिस, ये 2 खिलाड़ियों के प्रेडिक्शन मेरे अच्छे नहीं गए, बाकी सब सही गए, बाकी न्यूजीलैंड की टीम ने मैच भी जीता। तो आज जो मैच होने वाला है, अगर आज भी अगर आपको जानना है कि साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान के मैच में क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर्स को कब फैंटेसी में रखना है, कौन से प्लेयर कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, कौन फ्लॉप होगा, तो भाइयों पूरा वीडियो देख लेना शुरू से एंड तक। अगर पूरा वीडियो देख लेते हो तो इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आपका लॉस इस मैच में नहीं होगा, और पैसा आप कितना कमाओ आपकी किस्मत है, लेकिन कमाओगे जरूर। ठीक है, तो चलो वो बाकी सब लोग अभी से धनतेरस, इतना अच्छा टिप दी धनतेरस की है, सब लोग लाइक करो कमेंट करो। ठीक है, सबको लाइक और कमेंट करना है ये अभी तुरंत के तुरंत। ठीक है, सब लोग लाइक कमेंट कर दो, और क्या बोलते हैं सब, आपके लाइक आपके कमेंट जो हमारे लिए मोटिवेशन एक ताकत होती है, तो वो कर दिया करो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ मिलने वाला है हमारे चैनल पर। अभी वर्ल्ड कप खत्म होने दो, ऐसा धमाका करने वाला हूँ सारा किसी ने सोची ना होगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो। तो स्टार्ट करें फिर आज का वीडियो। एडिटर साहब तुमने भी धनतेरस की टिप्स ले ली, जाओ खरीद लो जाके कुछ है, चलो जाओ लगा इंटरेस्ट लगा, स्वागत करो हमारा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो लोग, उम्मीद करता हूं बढ़िया होगा। स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान के बीच होने वाले मैच की। मैच खेला जाएगा अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हम बात करेंगे क्या इस मैच में चेंजेस होंगे दोनों टीम्स में, क्या प्लेइंग 11 होगी, और प्लेइंग 11 बताते टाइम पे हर प्लेयर के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दूंगा आपको। बाकी पिच के बारे में बताऊंगा, किसको कब लेना कब ड्रॉप करना वो भी बताऊंगा, मेरी क्या भविष्यवाणी, मेरे क्या मैच की प्रेडिक्शंस, वो भी आपको आपके सामने ला के रखूंगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना शुरू से एंड तक, बहुत ज्ञान मिलने वाला है। और हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, भाइयों एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, और 14 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो क्यों जुड़े हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फाइनल जो मेरी टीम होती है फैंटेसी की टॉस के बाद वो मिलती है,
कोई एंड में आपको टिप देना चाहता हूँ, कुछ मैसेज लिखना चाहता हूँ तो वहाँ पर लिख देता हूँ फटाक से। अच्छे गिवअवेज, अच्छे ऑफर्स आपको सब यहाँ पर मिलते हैं, तो प्लीज़ जाइए टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करिए। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी रही बात गिवअवे की, तो लास्ट वीडियो में अगर हमारा कोई गिवअवे का विनर है तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलो क्योंकि मैं तो वीडियो भी अभी बना रहा हूँ, अभी विनर निकाले नहीं गए, मैं जस्ट मैच खत्म हुआ अफ्रीका वाला, ये वाला न्यूजीलैंड वाला, तो मैं बना रहा हूँ तो वो चीज़। बाकी इस वीडियो में भी गिव अवे है, आप पूरा वीडियो देखते रहो। पूरे वीडियो में मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने उस एक सवाल का जवाब दे दिया सही जवाब, तो आप जीत जाएंगे। क्या जीत जाएंगे? 10,000 रुपये, और कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, तो वो जरूर कर लेना। बाकी जो प्राइवेट कॉन्टेस्ट का कोड है वो आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टीम न्यूज़ से। देखो साउथ अफ्रीका की टीम काफ़ी मतलब क्या क्या होता है, लास्ट मैच हार के आ रही, जीत के आ रही है साउथ अफ्रीका की टीम। साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, ठीक है, और इनके सामने क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलेगी सेमीफाइनल में, कन्फर्म है। तो एक आधा चेंजेस कर सकती है वो, किसको कर सकती है, वो सारे प्लेयर्स को तो वो रेस्ट दे चुकी है एक एक आगे एक आधा मैचेस में बीच में, मगर एक खिलाड़ी जिसको अभी तक रेस्ट नहीं मिला है वो कौन है, क्विंटन डिकॉक। और क्विंटन डिकॉक के साथ फिटनेस का इशू चल भी रहा है, बंदा 50 रन मारता है फिर वो थक जाता है। हो सकता है क्विंटन डिकॉक को इस वाले मैच में रेस्ट दे दिया जाए, और क्विंटन डिकॉक की जगह पर हो सकता है ओपन कर जाए रिजे हेंड्रिक्स, तो ये हो सकता है, कंफर्म नहीं बता रहा मगर हो सकता है। बाकी अफगानिस्तान की टीम ने लगभग ऑस्ट्रेलिया को लास्ट में हरा दिया था, मगर मैक्सवेल भारी पड़ गया, क्या पारी खेली बंदे ने, दिल आ गया है, ठीक है। तो बिग शो ने कुछ उनके प्लान पर पानी फेर दिया था बाकी मैक्सवेल ने, बाकी मेरे ख्याल से वो कोई चेंज नहीं करेगी साउथ अफगानिस्तान। एक ही चेंज होगा कि फजल अक फारूकी आएगा टीम में, क्योंकि ये अहमदाबाद का जो मतलब जैसी पिच है, जैसा वो ग्राउंड है, वहाँ पर एक पेसर की ज़रूरत भी है, ठीक है, स्पेशली साउथ अफ्रीका के सामने तो है, तो वो एक फजल अक फारूकी आ सकता है। किसकी जगह पर आएगा? मेरे ख्याल से नूर अहमद की जगह पर आएगा। मुजीब ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है लास्ट मैच में, मगर मुजीब की जगह पर नहीं आएगा, क्योंकि क्विंटन डिकॉक होगा सामने अगर, तो मुझे पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, क्विंटन डिकॉक को फंसा सकता है, और क्विंटन डिकॉक ऑफ ब्रेक बॉलर के सामने फंसता भी है, बहुत ज़्यादा बार फंसता है, ठीक है। ये तो हो गया भाई उनकी बात। हाँ एक और चीज़ साउथ अफ्रीका टीम में एक और चेंज पॉसिबल है, मेरे ख्याल से पक्का होगा, गिराल्ड सियोर्जी। जी हाँ, जैसे कि स्पिनर के लिए कुछ इतना खास नहीं, ताबरेज सामसी की जगह पर गिराल्ड सियोर्जी खेल सकता है वाला मैच, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, लेकिन प्लेइंग 11 की भी बात करने से पहले फिर से बताता हूँ आप लोगों से, बहुत लोग आलसी हैं, बहुत लोग कामचोर है, मतलब इतना उनको सही ज्ञान दो फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता। भाई तुम लोग क्यों बर्बाद हो रहे हो, तुम लोग मेगा लीग ग्रैंड लीग जो खेल रहे हो ना भाई, मैं बता रहा हूँ विजन 11 पर खेलो, यहाँ पर बहुत कम टीम आती है मेगा लीग में ग्रैंड लीग में। अच्छा कमेंट बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लो, रेफर कोड अनुराग यूज़ करना ताकि 500 का बोनस मिले, और हर मैच में फ्री गिवअवे कॉन्टेस्ट भी होता है इसमें भी है, तो फ्री कॉन्टेस्ट भी हर मैच में खेल सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो, कल एक बंदे ने मुझे टेलीग्राम पर एक स्क्रीनशॉट भेजा, भाई बंदे की क्या टीम थी यार, झाटू बोल रहा हूँ, धासू टीम थी झाटू बोल दिया एक शब्द के यार, पूरा लाइन मतलब पूरा मतलब बिगाड़ देते हैं, धासू टीम थी उसकी ग्रैंड लीग की, लेकिन बंदे ने कोई पेड कॉन्टेस्ट निकला, बोलता पैसे नहीं है, अरे हर मैच में फ्री कॉन्टेस्ट हमको विजन 11 देता है, वहाँ पर खेलो ना, तो जाओ ताकि विजन 11 के आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। रही बात प्लेइंग 11 की, प्लेइंग 11 देखते हैं साउथ अफ्रीका की, प्लेइंग 11 पहले देखते हैं भाई, क्विंटन डिकॉक अगर खेलता है तो, नहीं खेलता है तो फिर वो भाई हो सकता है कि रिजे हेंड्रिक खेल जाए, और अगर रिजे हेंड्रिक अगर खेलता है तो विकेट कीपिंग फिर वो करेगा हेंड्रिक क्लासन, ठीक है। चलो कुछ क्विंटन डिकॉक फिलहाल में दिए तरफ, डिकॉक बहुमा ड्रेसन माक्रम क्लासन मिलर यानसेन फ्योर्जी महाराज रबाडा निगडी, ये होगी प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका की। अब इनमें अगर हम ज्ञान बांटें तो क्विंटन डिकॉक ऑफ अगर खेलता भी तो ऑफ स्पिन के सामने मुजीब के सामने संभल कर खेलना पड़ेगा, बाकी प्लेयर बढ़िया फॉर्म में। बहुमा अनबन प्लेयर है लेकिन अफगानिस्तान के सामने मैच परफॉर्म कर सकता है। ड्रेसी वेंडरसन बढ़िया प्लेयर है, अच्छा खेलता है। माक्रम बढ़िया प्लेयर है, क्लासन बहुत बढ़िया फिनिशर है, और मिलर भी नीचे बहुत अच्छी फॉर्म में है। यानसन भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। सियोर्जी भी थोड़ा बहुत बल्ला घुमा लेता है और अच्छी बॉलिंग करता है, स्पेशली सेकंड इनिंग में विकेट निकालता है। केशव महाराज जो अफगानिस्तान के सामने काफ़ी अच्छा रहेगा दिन सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग दोनों में अच्छा रहेगा। रबाडा और निगडी तो हैं ही अच्छे, निगडी आपके लिए ट्रंप ऐसा हो सकता है, बहुत कम लोग इसको टीम में रखेंगे। बाकी बात करें अगर अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की, लेकिन उससे पहले प्राइवेट कॉन्टेस्ट का कोड आज का बता देता हूँ। जी हाँ, तो भाई हर मैच में हम आप लोगों के लिए फ्री कॉन्टेस्ट बनाते हैं जिसमें हम 50,000 रुपये देते हैं, 500 विनर होते हैं, हर बंदे को 100-100 रुपये फ्री मिल जाते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है प्राइवेट कॉन्टेस्ट आज का ज्वाइन कर लो, फ्री कॉन्टेस्ट है आपके लिए। विजन 11 का ऐप ओपन करो, आज का मैच ओपन करो, यहाँ पर क्लिक करो प्राइवेट कॉन्टेस्ट पर, और कोड डालो क्लास CLASS क्लास,
तो क्लास डालो ये कोड, आपको एक कॉन्टेस्ट में फ्री एंट्री मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर इंग्लैंड की बात करें तो गुरबाज इब्राहिम जजान ओपन करेंगे, फिर आएंगे रहमत शाह, हजमतुल्ला शाहिदी, अजमतुल्ला उमर जाई, मोहम्मद नाबी, कराम अली खेल, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, फजल फारूकी, नवीन उल्लाह। ये होगी प्लेयर इंग्लैंड अफगानिस्तान की। गुरबाज बढ़िया प्लेयर, फॉर्म भी अच्छा है, एक मैच में चलता है एक में नहीं चलता है, और पहले बैटिंग करते हुए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इब्राहिम जदरान बढ़िया प्लेयर है, रिस्क कम लेता है, टिकाऊ प्लेयर है। रहमत शाह भी बढ़िया प्लेयर है, हजमतुल्ला शाहिदी भी अच्छा प्लेयर है, डिसेंट सा है। बाकी अजमतुल्ला उमर जाई बैटिंग से भी बहुत अच्छी, कमाल बैटिंग कर रहा है, अच्छी हिटिंग कर रहा है, मुझे लग रहा है आईपीएल में अपनी जगह बनाने वाला है। और उसके बाद बॉलिंग से भी बंदा विकेट निकाल लेता है, और यहाँ की पिच इसको सूट भी करेगी। बाकी मोहम्मद नाबी है, अकराम अली खेल है, राशिद खान मैंने भी कैमियो खेल के दिखाया था, और भाई अहमदाबाद की पिच पर भी अगर मैच अगर वो होता है क्या बोलते हैं बैटिंग कर पहले करती है अफगानिस्तान, तो राशिद खान का बल्ला फिर से चलता हुआ आपको दिख सकता है। मुजीबुर रहमान बढ़िया है, फजल फारूकी और नवीन उल्लाह पहले इनिंग में बॉलिंग करते हुए आपके लिए अच्छे खासे प्लेयर हो सकते हैं, ट्रंप हो सकते हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों अगर हम पिच के बारे में, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में मैच होगा, पिच का ज्ञान ले लेते हैं पूरा। लेकिन पिच का ज्ञान देने से पहले प्रोबो के बारे में आप लोग को बता दूं कि जिन्होंने अभी तक प्रोबो डाउनलोड नहीं किया है, ट्राई नहीं किया है, मैं कहता हूं एक बार ट्राई करो, फैंटेसी भूल जाओगे, क्योंकि यहां पर पैसा कमाना आसान बहुत है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां ना 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, ना कैप्टन वाइस कैप्टन का झंझट, सिंपल है। कोई भी मैच चुनो, कोई भी फील्ड चुनो, आप वहां के चल रहे सवालों के जवाब दो हाँ या ना में। अगर आपका सवाल का जवाब सही हो जाता है, साबित हो जाता है कि वो सही है, तो आप जीत जाओ। फॉर एग्जाम्पल आज के मैच साउथ अफ्रीका जीतेगी या नहीं, ठीक है, अगर हाँ तो हाँ पे पैसा लगाओ, ना तो ना पे पैसा लगाओ, बस और जीत लो। ऐसे ही बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। आज के जो मेन मेन सवाल है, मैं आपको उसका प्रेडिक्शन आपको आगे दे दूंगा। फिलहाल आपको बताना है कि डाउनलोड कर लो प्रभु, 70% लोग डाउनलोड कर चुके हैं फैंटेसी वाले, और लोग फैंटेसी छोड़ रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ईजी है पैसा कमाना। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, बहुत सारी फील्ड, क्रिकेट, फुटबॉल, इलेक्शन, बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, जिस भी फील्ड का आपको ज्ञान है, आप उस फील्ड के चल रहे सवालों के जवाब दो हाँ या ना में, पैसा कमाओ। अच्छी बात ये, आज आपको फ्री में खेलने का मौका मिल रहा है, जाओ जाके प्रोबो का ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, मेरे लिंक से जाओगे तो आपको थोड़ा बोनस मिलेगा, पूरा बोनस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो चले जाओ, ओके, कर लेना डाउनलोड, ट्राई करना। बाकी बात करें पिच के बारे में, भाई देखो पिच जो है ना यहाँ की बैटिंग के लिए अच्छी विकेट है, मतलब न्यूट्रल विकेट है। पेसर्स को भी शुरुआत में विकेट मिलते हैं, ग्राउंड बड़ा है तो भाई स्पिनर्स को भी विकेट मिल जाते हैं, स्पेशली लेग स्पिनर फंसा लेते हैं बल्लेबाजों को, और एवरेज स्कोर 250 रन का है, ठीक है, तो पेसर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है। जो भी जिस बंदे के पास टाइमिंग अच्छी है वो इस ग्राउंड पे बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता है, ठीक है। पिछले 6 मैच में यहाँ पर देखो पेसर्स को 73 विकेट मिले, स्पिनर्स को भी तगड़े विकेट मिले, 45 विकेट मिले, और टॉल्स का कोई रोल नहीं है, अच्छा स्कोर लगाओ बोर्ड पर डिफेंड कर लोगे, छोटा स्कोर लगाओगे चेस भी हो जाएगा, ठीक है। 300 से ऊपर रन बनते हुए आप देख सकते हो आज के मैच में, अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करती है, 220 से 250 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम बात करें हेड टू हेड टीम रिकॉर्ड की, तो भाई दोनों टीमों के बीच में एक ही मैच हुआ है, बस एक मैच, ठीक है, तो कुछ इतना खास है नहीं, और वो मैच भी अफ्रीका ने जीता है, तो कुछ नए प्लेयर्स के स्टैट्स नहीं है। सीधे हम फैंटेसी क्रिकेट की टिप्स की बात करेंगे, तो टिप्स की बात कर लेते हैं, फिर से बता रहा हूँ आज के मैच का प्राइवेट कॉन्टेस्ट का कोड है क्लास, तो विजन इलेवन पर प्राइवेट कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, आप लोग के लिए फ्री है, ये कोड का इस्तेमाल करो क्लास, यहाँ पर क्लिक करो प्राइवेट कॉन्टेस्ट पे, फ्री एंट्री ले लो, जाओ। चलो फैंटेसी की टिप्स की बात करें, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डिकॉक अगर खेलता है तो आप क्विंटन डिकॉक आपके लिए काफ़ी सेफ ऑप्शन है, विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट देगा, बैटिंग से भी देगा, तो रखना तो है ही। बाकी गुरबाज और क्लासन में जो भी पहले बैटिंग करे उसको अपनी टीम में रख लेना, ठीक है। अगर बल्लेबाजों की बात करें तो रैसिब एंडरसन अच्छा ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है, टेम्बा बोमा को भी आज आप ले सकते हो, अफगानिस्तान के सामने मैच है, तो टेम्बा बोमा भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, ट्रंप हो सकता है आपके लिए, और स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए। बाकी इब्राहिम जदरान सेफ ऑप्शन है अफगानिस्तान की तरफ से, और रहमत शाह को केशव महाराज के सामने थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। बाकी हजमतुल्ला शाहिदी भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए, और डेविड मिलर काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहा है, तो आपके लिए स्मॉल लीग में उतना अच्छा नहीं होगा, मगर अगर आपको ट्राई करना है, सॉरी डेविड मिलर को अगर आपको ट्राई करना है तो पहले बैटिंग करते हो आप डेविड मिलर को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर पार्टनरशिप लग गई तो इसको प्रमोट किया जा सकता है हिटिंग के लिए। अगर ट्राई करना कर मेरे ख्याल से स्मॉल लीग खेल लो, 2-3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में मत ट्राई करना। और बहुत अच्छी बात यह है कि भाई अहमदाबाद में बहुत अच्छा उसको एक्सपीरियंस भी है, मतलब गुजरात टाइटन्स के लिए खेलता है IPL में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड का, और अच्छा परफॉर्म भी किया है इस ग्राउंड पर, तो बढ़िया है, ठीक है, तभी तो मैंने बोला था राशिद खान का भी। बाकी ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें, तो ऑलराउंडर्स की बात करने से पहले गिव अवे का मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, आज का एक ही सवाल है, वो सवाल बहुत सिंपल है, आज के मैच में टॉप 3 फैंटेसी प्लेयर कौन होने वाले हैं बताओ, कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा पॉइंट देंगे फैंटेसी में, उन 3 खिलाड़ियों का नाम गेस करो और कमेंट बॉक्स में आंसर करो। अगर आपका जवाब सही साबित हो गया तो आप जीत जाओगे 10,000 रुपये, कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, तो गेस करो, लोग तुक्का मार के जीतते हैं, कौन सा कुछ हार रहे हो, बस कमेंट ही तो करना है,
जीत गए तो ठीक है, बल्ले बल्ले, नहीं जीते तो कोई बात नहीं, थल्ले थल्ले। तो कर दो कमेंट, गेस करो कौन से तीन खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाले आज के मैच में, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। और शर्त याद रखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वो नहीं क्या तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ऑलराउंडर्स की दोस्तों बात करें, माको यानसन इंपॉर्टेंट है और मस्ट पिक होगा, अजमतुल्ला उमरजाई भी, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा कर रहा है। बाकी एडम अकरम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब ऑप्शन पहले बैटिंग करते हुए। दूसरी इनिंग में भी सेफ है, मगर दूसरी इनिंग में आप कैप्टन में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फर्स्ट इनिंग में आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। बॉलिंग उतनी कुछ खास कर नहीं रहा, मोमन नावी भी ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर रहा, तो स्मॉल लीग के लिए उतना सेफ मतलब नहीं है, मगर फिर भी ऑलराउंडर है। अगर ज़्यादा आपको ऑप्शन ना दिखे तो आप ट्राई कर लेना मोमन नावी को। पर्सनली मैं बताऊँ तो अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेगी तो मैं ट्राई करूँगा, सेकेंड इनिंग में नहीं ट्राई करूँगा। बाकी जो दोस्तों बॉलर्स की बात करें तो कगिसो रबाडा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोनों इनिंग में, ठीक है। माको यानसन भी दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट होगा अफ्रीका की तरफ से, और गिराल सियोर्जी भी अगर खेलता है तो दोनों ही इनिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अफ्रीका के तीन बॉलर तो जरूर रखना, बाकी लुंगी एनगिडी को अपना ट्रम्प बना सकते हो अगर अफ्रीका पहले बॉलिंग करती है। और अगर अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान को ले सकते हो, ठीक है, राशिद खान की तरफ को दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग से भी आपको बैकअप देगा, गुजरात के लिए ये भी खेलता है, इस ग्राउंड पर एक्सपीरियंस काफ़ी उसका अच्छा है। और मुजीबुर रहमान उतना अच्छा ऑप्शन नहीं बोलूँगा मैं, बस ये कि क्विंटन डिकॉक को फंसा सकता है, तो ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना अगर भाई बड़ी बड़ी बाउंड्री से थोड़ा इस्तेमाल कर पाया तो ठीक है, ठीक है। बाकी नवीन उलक फजल फारूकी को आप फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हुए ट्राई कर सकते हो, स्पेशली नवीन उलक को, क्योंकि वो डेथ में फ्री विकेट पक्का लेगा। फजल फारूकी कितने लेगा, एक लेगा ज़्यादा ज़्यादा, बस तो वो चीज़ है। ये तो होगी फैंटेसी क्रिकेट की टिप्स की बात, अब बात करते हैं मैच की प्रेडिक्शंस की, कि मेरे क्या मैच की प्रेडिक्शंस है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैच की प्रेडिक्शन की बात करने से पहले मैं प्रभु के बारे में आप लोगों को बता दूं कि प्रभु पर आज की जो मैंने चार सवाल उठाए हैं वो क्या है, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल प्रभु पर आज का है कि सबसे ज़्यादा छक्के कौन सी टीम मारेगी, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान। मैं तो साउथ अफ्रीका पर ही पैसा इन्वेस्ट करूँगा, तो साउथ अफ्रीका। दूसरा सवाल ये है कि साउथ अफ्रीका की टीम जीतेगी आज के मैच या नहीं, मैं बोलूँगा हाँ जीतेगी, तो मैं इसमें यस करूँगा, यहाँ पर पैसा लगाऊंगा। तीसरा सवाल, अफगानिस्तान 10 ओवर में 50 बना लेगी, माको यानसन का स्पेल बहुत खतरनाक होने वाला है, तो मैं तो कहूँगा नहीं बना पाएगी, तो मैं इसमें नो करूँगा। बाकी साउथ अफ्रीका की टीम 5 ओवर में 1 विकेट ले लेगी अफगानिस्तान का, नो तो नहीं कर सकता, तो यस ही करूँगा, क्योंकि माको यानसन पावर प्ले में विकेट तो निकालता ही, तो मैं यस करूँगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये भाई मेरे ओपिनियन से मेरे प्रेडिक्शन थे, बाकी आप जाके प्रभु पर विजिट करो, देखो बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, जो भी आपका सवाल अच्छा लगे उस पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जाके प्रभु का आप डाउनलोड जरूर करो, थोड़ा आपको बोनस मिल जाएगा और उस बोनस से आप फ्री में खेल सकते हो पहले दिन, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। अब दोस्तों बात करते हैं मैच की प्रेडिक्शंस की, ठीक है। तो भाई पहला जो मेरा प्रेडिक्शन है आज के मैच का वो ये है कि रैसी वेंदर डसन और टेम्बा बाउमा ये दो खिलाड़ी पक्का रन बनाएंगे अब इसके लिए साउथ अफ्रीका के लिए, और इनके साथ में रिजा हंडिस और क्विंटन डिकॉक में से जो भी खेलेगा वो रन बनाएगा थोड़े। बाकी एडम अकरम और क्लासन इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी बड़ी पारी खेलेगा अगर अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है। बाकी माको यानसन रबाडा ये दोनों खिलाड़ी पक्का विकेट लेंगे अफ्रीका के लिए, और इनके साथ केशव महाराज या गिराल सियोर्जी में से कोई एक खिलाड़ी विकेट लेगा, ठीक है। चौथा प्रेडिक्शन मेरा ये है कि गुरबाज और शाहिदी ये दो खिलाड़ी अफगानिस्तान के लिए रन बनाएंगे पहले बैटिंग करते हुए, ये दो खिलाड़ी रन बनाएंगे अफगानिस्तान के लिए, गुरबाज और शाहिदी, ठीक है। उसके बाद इकराम अली खिल ये जो इनका विकेट कीपर है ना लौंडा, ये सरप्राइज कर सकता है पहले बैटिंग करते हुए, तो ग्रैंड लीग में इसको जरूर ट्राई करना। बाकी राशिद खान इस मैच में पक्का विकेट लेने वाला है उमर जाई के साथ में, ठीक है, चाहे पहले बॉलिंग करो चाहे बाद में बॉलिंग करो ये लेगा विकेट, और नवीन उलक पहली इनिंग में बॉलिंग करते हुए कम से कम 2 विकेट लेगा इस मैच में। तो ये मेरे प्रेडिक्शन से। बाकी सातवां जो मेरा प्रेडिक्शन है, आखिरी प्रेडिक्शन, वो ये है कि साउथ अफ्रीका की टीम ये मैच जीतेगी, ठीक है। तो भाई मैंने अपने 7 प्रेडिक्शन दे दिए इस मैच के, देखते कितने सही होते हैं, सभी सही होंगे देखना। तो भाई ये तो मेरे प्रेडिक्शन बात होगी, बात करके फैंटेसी की टीम की, तो फैंटेसी की टीम मैंने अभी नहीं बनाई है, क्योंकि कोई मतलब नहीं भी बनाने का, टॉस हो जाएगा तो टॉस के बाद, वैसे भी मैं यूट्यूब पर लाइव रहता हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, लाइव आऊँगा तो लाइव में रहता हूँ, लाइव आपके सामने टीम बनाऊंगा। बाकी टेलीग्राम पर अपनी फाइनल टीम स्मॉल लेकर दे दूंगा, जिस टीम से मैं खुद 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, सेम टीम आपको फ्री में देता हूँ टेलीग्राम पर। सभी लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, और जिनको मेरी ग्रैंड लीग टीम चाहिए, कल हमारी ग्रैंड लीग टीम ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया, एक प्लेयर की वजह से हमारी ग्रैंड लीग मिस हुई, तीक्ष्ण की वजह से, अनएक्सपेक्टेड था यार, 40 रन का वो कहाँ बना पाता है, तो कोई बात नहीं। तो जिनको हमारी ग्रैंड लीग टीम चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है अनुराग द्विवेदी एक्सक्लूसिव, ये भी ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर ग्रैंड लीग टीम मैच से पहले मिल जाएगी। बाकी कॉन्टेस्ट के कोड की बात करें तो आज के मैच का जो प्राइवेट कॉन्टेस्ट का कोड है वो है क्लास, तो ये कॉन्टेस्ट का कोड यूज़ करो, प्राइवेट कॉन्टेस्ट पर क्लिक करो आज वाले मैच में विजन 11 पर, और एक कॉन्टेस्ट में फ्री एंट्री मिलेगी, ले लो 100 रुपये फ्री में जीत जाओगे, 500 लोग जीतेंगे, जिनके पास पैसा नहीं पार्टिसिपेट जरूर करें। बाकी क्वेश्चन जो हमारा गिवअवे का था मैं ऑलरेडी आपसे पूछ चुका हूँ वीडियो में, तो जिन लोगों ने नहीं सुना पीछे जाकर सुनो दोबारा, और उस सवाल का जवाब दो कमेंट करके, एक ही बस एक सवाल है, जवाब दो कमेंट करके, अगर आपका जवाब सही होता है तो आप जीत जाओगे
₹10,000 कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। बस शर्त ये कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी वैसे भी यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ लाइव आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और विजन 11 प्रोमो का ऐप डाउनलोड करो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं फिर दोस्तों लाइव में, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक है, सो लव यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।